parte che si latine arriva con la mano. Gentlemen, here we would also like to welcome the distinguished foreign delegates, particularly in Pakistan, with our own seminar. This is the Bunyadi Pakistan, Kashmir Cultural Academy, Hukumat Alaba, Wafaq ke ahem idare ki haisiyat se, hum Wafaq ki tamam ikaiyon ki shamooliyat se yakjehti ka izhar kar sake. Khawateen o hazrat, dard tashreef lati hain, IMCG, Humak ki taari.
शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जो रीज़न है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ एक सेंटिमेंट पैदा हो, हमारा यूथ उसको देखे, उसको पहचाने और उसका हिस्सा बन जाए। बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ हम महसूस करते हैं वो हमारी अगली जनरेशन तक मुंतकिल हो, और उनको उनका एहसास पैदा करना, उनको इस बात के साथ रूशनास कराना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी छोटी सी काविश कामयाब काविश है, और बच्चे हमारे साथ जो आज शामिल हैं वो सब इस बात का एक एहसास लेके दिल में यहाँ आए हैं कि हाँ, ये वो जद्दोजहद है जिसमें कि इनको शामिल भी होना है, उसका एहसास भी करना है, और बाकी दुनिया को भी उसका एहसास दिलाना है। हम बेहद मशकूर हैं अपने वज़ीर साहब के और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा के कि वो आ जाए हैं। उनके आने से हमारा कॉज़ जो है वो और मज़बूत होता है। उनकी प्रेजेंस यहाँ इस बात का सबूत है कि ये एहसास हर लेवल पर मौजूद है। इसको सिर्फ हमने अपने दुश्मनों के दिल में बिठाना है ताकि वो इसका खौफ महसूस करें और हमारे बच्चों से और हमारी आगे आने वाली नस्लों से डरें। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूँगी हमारी कश्मीरी फैमिलीज़ हैं जी, मिनिस्टर साहब को उनसे भी मिलवाएंगे, हमारे दस्तकार हैं जिनके स्टॉल्स बाहर लगे हुए हैं, और हमारा इस दफ़ा ख़ास तौर पे लिबरेशन फ्रंट का भी स्टॉल है जो कि एक भरपूर तरीके सेल का भी स्टॉल है जी, जो कि बड़े भरपूर तरीके से अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला रहा है हमें। हम बच्चों के बेहद मशहूर हैं, उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर इंतज़ार किया और अब वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इसमें कश्मीर के स्कूल्स हैं, इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, और बाकी इलाकों के बच्चे भी हैं, और मैं चाहूँगी कि उनके लिए ख़ास तौर पे एक भरपूर तालियां बजाई जाएं और उनकी इस पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट किया जाए। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी, बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया मैडम। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर बरसग़ीर पाक व हिंद की तकसीम का एक नामुकम्मल बाब है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जब पाकिस्तान हासिल किया तो माहदे के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा तय पाया, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को ये बात बर्दाश्त ना हुई और उसने अपनी फ़ौजें कश्मीर में उतार दीं। इंसानियत की बेहरमती, बेजा जुल्म व सितम, कानून की खिलाफ वर्जियाँ और ज़्यादतियाँ आज भी काबज़ भारतीय फ़ौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी हैं। आज भी हमारे कश्मीरी बहन भाई गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं और अपने हक खुद कश्मीर आजाद हो वे, thank you।
और अब ख्वातीन और हज़रात वादी और मेरे तमाम हम मकतब साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा ना करे तुम इस सिवत से लुटा दिए जाओ।
खून में डूबी हुई तस्वीर हूँ मैं, खून में डूबी हुई तस्वीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं। सदर ज़ीवकार, कश्मीर एक खित्ते सरजमीन का नाम ही नहीं बल्कि मेरे नज़रिए और दीन का मसला है। आए और भारत से अपना कश्मीर लें, उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, बट के रहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक दफा मेरे साथ आप सब बावाज़े बुलंद बोलें, बट के रहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आखिर में तहरीकी अजमत और जुरत, कश्मीर के शहदा और आप सबको सलाम। मैं किसको आवाज़ दूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसको आवाज़ दूँ, मैं किसके पास जाऊँ। जी तो चाहता है फिर से आसमां पर लौट जाऊँ, ज़मीं की जन्नत न बनाया जाता मुझे, इस तरह इतना सताया न जाता मुझे। मेरी आगोश ने संभाला है मासूम बच्चों का लहू, मेरी आगोश ने संभाला है मासूम बच्चों का लहू। करती है लाशें मुझसे हर रोज़ गुफ्तगु, मुझ पे रहम कब आया बादशाहों को, मुझ पे रहम कब आया बादशाहों को, बा गया मेरा हुसन उन निगाहों को। सदरे ज़ीवकार, शुक्रिया। शुक्रिया शाह साहब, के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। पर पूरी पाकिस्तानी कौम का और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह इस साल भी उन्होंने जिस अंदाज से ये यकजहती का दिन मनाया, इस पे मैं वज़ीर उमूर कश्मीर आपका और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरीके से ये एहसास दिलाया कि जिस तरह 70 साल से पाकिस्तानी कौम
कश्मीरियों की अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखे हुए है वो आज भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इंशाअल्लाह जब तक मकबूजा कश्मीर इंडियन इस्तेदाद से आज़ाद होकर पाकिस्तान की तकबीर नहीं हो जाती उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वज़ीर उमूर कश्मीर, मैं आज कश्मीरी कौम की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने मकबूल भट्ट सेरे साथ कश्मीर के सिंगर्स आए, मेरे साथ गतका टीम आई, मेरे साथ लिबरेशन सेल जो कि आज़ादी के हवाले से काम कर रही है वो लोग आए, मैं आप बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि यह कश्मीरियों का जो मिशन है आज़ादी का मिशन, हमारा दौर गुजर चुका, ये आप तक पहुँचना ज़रूरी है, आप हर घर तक पहुँचाएं, क्योंकि इंडिया की बर्बादी तक यह जंग 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 रहेगी इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक यह जंग 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 रहेगी, तकबीले पाकिस्तान तक यह जंग 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 रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर लाग साहब, आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तेरे इश्क न जाया करके तैयार करना चेतिया भी मैं कभी पा नहीं ते मैं मर गया, चेतिया भी मैं कभी पा नहीं ते मैं मर गया। तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया, तेरे इश्क न जाया करके तैयार करना चेतिया भी मैं कभी पा नहीं ते मैं मर गया, चेतिया भी मैं कभी पा शुरू पर
सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने योम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और जिस तरह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और सिफारती तौर पर कश्मीर की आवाम के साथ है, तो मैं इस प्रोग्राम की नस्बत से ये कहूँगा कि सकाफती तौर पर भी पाकिस्तान की जो आवाम है वो कश्मीर की आवाम के साथ है इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपने कश्मीर के उन भाइयों और बहनों को सलाम पेश करूँ अपनी तरफ से और आपकी तरफ से, कि जो अपने अबाजदाद से लेकर अब तक अपने बुनियादी हक के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। इनके कुछ चैनल वाले इनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, तो आप जल्दी माइक उठा लो यार, कश्मीर कहाँ से बात हो रही है, आपको तनख्वाह की पड़ी हुई है। चलो बहरहाल हम गुजारिश करते हैं मीडिया के उन मालकान से कि अपने जो उनके मुलाजिम हैं उनको कम से कम तनख्वाहें दे दें, क्योंकि वो इस वजह से बायकॉट करते हैं उनके साथ। और तो मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि उन कुर्बानियों का जिक्र किया जाए कि जो अपने अबाजदाद से लेकर अब तक वो दे रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को, मकबूजा कश्मीर की आवाम को, कि अब जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब, जैसा कि उन्होंने भी पहली ही स्पीच में जिक्र किया मुज़ाकरात के हवाले से भारत के साथ, तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर की कि भारत के साथ हम मुज़ाकरात को तैयार हैं, लेकिन मसला कश्मीर पर सबसे पहले बात होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब जो हुकूमत है हमारी वो कितनी सीरियस है कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। और हमें काफ़ी हद तक अपनी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। इससे बड़ी कामयाबी ये है कि इस वक्त जो इंसानी हकूक का जो कमीशन है उसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा भारत का वो भयानक चेहरा कश्मीर के हवाले से दुनिया को आयां किया है कि किस तरह के मजालिम भारत हमारे मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ कर रहा है। हालांकि भारत ने वहाँ पे मीडिया को भी बंद किया हुआ है और किसी तरह की ऐसी रिपोर्ट वो नहीं आने देते, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि वो रिपोर्ट आ गई है। और अब उस रिपोर्ट को आगे ले जाकर इंशाल्लाह हम तमाम जितने भी इदारे हैं बैनुल-अक़वामी इदारे जो कि काम कर रहे हैं अमन के लिए, उन सब के सामने ले जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में केस लड़ेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना एक इंक्वायरी कमीशन कश्मीर में भेजा जाए, ताकि वो कश्मीर में आकर खुद प्रैक्टिकली देखे कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। और वो रिपोर्ट जब आएगी इंशाल्लाह तो भारत का वो चेहरा, वो मजालिम जो आज तक वो उठा रहा है कश्मीर की आवाम के ऊपर, वो सामने आएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह और मेरा ईमान है कि जो कुर्बानियाँ कश्मीर की आवाम अपने वाजदा से लेकर अब तक दे रही है, इंशाल्लाह वक्त करीब है कि उनको इसका सिला मिलेगा और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर के लोगों को उनका जो बुनियादी हक है हक के खुद इरादियत इंशाल्लाह मिलेगा। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम लोग इसमें कामयाब हों, ताकि हम इस जहान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के सामने और उस जहान अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हों, उनको अपना हक दिलाकर। मैं आखिर में ये कहूँगा कि बहसीयत मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। बहसीयत पाकिस्तानी कि जिस तरह कश्मीर के लोग पाकिस्तान का झंडा उठाकर अपनी रियासी तहरीक की जंग लड़ रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें। और उससे बढ़कर पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं तमाम लोग इंसानियत की खातिर कि जो इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर, वो कश्मीरियों का साथ दें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद और यकीन है और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द कश्मीर आज़ाद हो और कश्मीर के लोगों को अपना हक मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। ख़वातीन हज़रात अपनी कंक्लूडिंग परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, एक खूबसूरत कश्मीरी लोकगीत लेकर तशरीफ लाती हैं फिजा बतूल और साथी, आपकी भरपूर तालियों में।